निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बुरा प्रदर्शन किया है। इस बुरे प्रदर्शन के बीच पार्टी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक भगवंत मान ने केजरीवाल और उनके करीबियों पर निशाना साधा। मान ने पार्टी हाईकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले कुछ गलत फैसलों की वजह से उनको और उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एमसीडी के रिजल्ट से पहले ही भगवंत मान ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी नेतृत्व एक मोहल्ला क्रिकेट की तरह व्यवहार कर रही है। आपने पंजाब में एक ऐतिहासिक भूल की है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने हार का जिम्मेदार ईवीएम मशीन को ठहराती आई है। अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते हुए भगवंत मान ने अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में कहा, ईवीएम में गलती ढूंढने का कोई मतलब नहीं जब पार्टी नेतृत्व ने चुनाव की पूरी रणनीति को लेकर ऐतिहासिक भूल की हो। हार के कारणों की जांच के लिए पार्टी को सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी राजनीतिक विकल्प खुले हैं और मई में अमेरिका से लौटने के बाद वह इस पर गौर करें। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान ने 400 से ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन मान ने ना तो एमसीडी चुनाव के दौरान कैंपेन किया और ना ही राजौरी गार्डन उपचुनाव से पहले पार्टी की किसी बैठक को संबोधित किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी ईवीएम के मुद्दे पर भगवंत मान का सपोर्ट किया है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।